करेंगे शुरू करें क्या शुरू करें नहीं शुरू करेंगे शुरू कर दें चलो कर देते डन शुरू कर देते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल। आज भाई क्या तड़कती भड़कती न्यूज लेके आया उन्होंने तुम्हारे लिए। भाई सैमसंग लेके आ रहा है S24 की पूरी सीरीज जैन में और नथिंग सोच रहा है एक नया बजट सेगमेंट का फोन निकालने का एंड इसके अलावा एप्पल वॉच 9 एंड अल्ट्रा 2 भाई बैन हो गई है यूएसए में। सारी इंपॉर्टेंट न्यूज इसके बारे में कवर करूंगा, बता देता हूँ एक एक करके। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया तो। शुरू करते हैं। सबसे अतरंगी न्यूज है नथिंग कंपनी से आने वाली। हाँ नथिंग मतलब वही कालपे वाली। ये घुस रहे हैं मार्केट में एक बजट सेगमेंट के फोन को लेके, नथिंग फोन 2A कुछ नाम रखेंगे इसका। बट बात यहाँ पे अटकी है इसके डिजाइन पे। भाई ट्विटर पे जो लीक्स आ रहे हैं तुमने देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा तो ये इमेज देख लो और क्या ही बोले अब इस पे। ये क्या डिजाइन बनाया मुझे नहीं समझ आया ऑनेस्टली। भाई मैं बोलूंगा मुझे बड़ा ये अतरंगी सा फोन लग रहा है और भाई मेरे हाथ खड़े हैं। अब कैसे कस्टमर इसको परसीव करेंगे मुझे नहीं पता। देखो स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूंगा तो स्पेसिफिकेशन सही है, कोई बुरी नहीं है। 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले वो भी एमोलेड और 50 मेगापिक्सल के दोनों यहाँ पे डुअल कैमराज हैं और एंड्रॉयड 14 पे आएगा और 4000 mAh की बैटरी होगी। बट जो चीज मुझे बहुत ऑफ लग रही है वो है इसका डिजाइन। अगर तुम लोगों से ही पूछूं कि भाई फोन अच्छा हो बट दिखने में अच्छा ना हो तो क्या तुम परचेस करोगे, मुझे जरूर बताना कमेंट्स में। और रूमर्स है कि ये $400 का होगा जो लगभग पड़ जाता है 32,000 रुपीज का इंडिया के प्राइस से, जो कि मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा होगा। अब देखना यही होगा क्या ये इंडिया में इसी प्राइस पे आएगा या नहीं। नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात कर ले तो एप्पल वॉच 9 और अल्ट्रा 2 भाई बैन हो गई है यूएसए में। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है, बता देता हूँ। एक कंपनी है जो हेल्थ केयर सेक्टर में काम करती है, इसका नाम है मैसिमो कुछ भी कह लो, बट इन्होंने केस कर दिया था एप्पल पे 2020 में। जो ब्लड ऑक्सीजन सेंसर था ना एप्पल वॉच में लगा हुआ भाई, वो इनके पेटेंट का था और एप्पल ने डायरेक्टली वो उठा के अपने में लगा लिया था। एप्पल ने मसीमो के एम्प्लॉयज ही उठा लिए थे गुड मॉर्निंग कि भाई डायरेक्टली उनकी टेक्नोलॉजी अपने वॉच में डाल पाए, इसीलिए केस कर दिया था इन्होंने एप्पल पे कि भाई कुछ तो वापस मिले। और अब एप्पल भाई हार चुका है एंड भाई यूएस गवर्नमेंट ने यही ऐलान किया कि अब एप्पल वॉच 9 सीरीज और अल्ट्रा 2 नहीं बेच पाएगा एप्पल इस हार्डवेयर के साथ। अब भाई एप्पल इसके आगे क्या करेगा वो देखना होगा कि भाई क्या वो एल्गोरिथम के थ्रू चीजें बदल पाएंगे और दोबारा से सेल कर पाएंगे या इनको हार्डवेयर में ही कुछ चेंज करना पड़ेगा, जिसमें भाई टाइम लगेगा, R&D भी जाएगी। और मैसिमो यही कह रहे कि ये हार्डवेयर चेंज है तो भाई देखना होगा कि एप्पल इसको कैसे टैकल करते हैं। और एप्पल के शेयर प्राइस भी देखोगे ना भाई वो दिन ब दिन ड्रॉप हो रहे हैं, बहुत ही बड़ी भसड़ मचाई है एप्पल ने। इसके बाद भाई फोन लॉन्चेस के बारे में बात करें, iQOO 12 लॉन्च हो चुका है इंडिया में जो कि बहुत अच्छी प्राइस पे लॉन्च किया इन्होंने। बहुत ही गजब का कैमरा और हार्डवेयर है भाई, मेरे को पर्सनली बहुत ही सही लगा। OnePlus भी अपने नए फोन के साथ आ रहे हैं, OnePlus 12 को लेके उतरने वाला है इंडिया में, चाइना में लॉन्च हो चुका है, काफी सही फोन लग रहा है मुझे भी। और भाई देखना होगा इंडिया में क्या प्राइस रखेंगे, बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर प्राइस सही कर दिया मुझे लगता है दोबारा से जैसे OnePlus 11 हिट किया था वैसे ही 12 भी हिट हो सकता है। बट मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात करने वाला हूँ जो कि एंड्रॉयड में भाई सबका गॉडफादर या सबका पापा है, वो है सैमसंग। सैमसंग लेके आ रहे हैं S24 सीरीज को जैन में ही और एक्सपेक्टेड है ये 17 जैन के अराउंड ही इनका लॉन्च होने वाला है। अब भाई बात करें इन्होंने क्या क्या किया है ना इस बार, मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। डिजाइन को लेकर देखो इन्होंने कोई चेंजेस नहीं किए और कहा जा रहा है कि इस बार जो बॉडी होगी भाई वो टाइटेनियम बॉडी होगी, जैसा हमने iPhone 15 Pro और Pro Max में देखा। इसकी वजह से फोन सुंदर तो दिखेगा ही दिखेगा एंड ड्यूरेबल होगा। और इसके साथ साथ डिस्प्ले भी भाई बेजल्स जो होंगे ना इसमें वो छोटे होने वाले हैं तो भाई बेटर दिखेगा सामने से भी। और इसके साथ भाई सबको टक्कर देने के लिए 2600 निट्स की मैक्स ब्राइटनेस ये रखेंगे। iQOO 12 को भी देख लो 3000 निट्स के साथ आया है, बट भाई ये पूरी टक्कर दे सकता है मुझे पूरा यकीन है इन पे। और अगर सैमसंग S24 की रेगुलर सीरीज भी देखोगे ना उसमें भी क्वाड HD डिस्प्ले देखने को मिलेगा हमें, जैसा हमें सैमसंग S23 अल्ट्रा वाली सीरीज में देखने को मिला था। एंड इसके बाद भाई सैमसंग ने कर दिया कैमरा में धमाल,
जैसे कि जो पेरिस्कोप लेंस था वो पहले सिर्फ 10 मेगापिक्सल का था, इस बार उन्होंने इंक्रीज कर सीधा 50 मेगापिक्सल का जंप लिया है, एंड ये आएगा सारा 5x ऑप्टिकल जूम के साथ, जैसा हमें आईफोन 15 प्रो मैक्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा सैमसंग ने आईफोन वाला ही फीचर लॉन्च कर दिया है कि आप सैटेलाइट कॉल कर सकते हो। अब देखो हम इंडिया में रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें इससे। इसके अलावा सीपीयू की भी बात करोगे तो भाई सैमसंग S24 अल्ट्रा में तो स्नैपड्रैगन जेन 3 के साथ ही आएगा, बट कहा जा रहा है कि जो रेगुलर S24 सीरीज है वो एक्सिनॉस के साथ आएंगे। अब मुझे नहीं पता ये लीक कितना सच है या नहीं है, पता लगेगा जब लॉन्च होगा, बट मुझे लगता है सैमसंग को एक्सिनॉस के साथ नहीं जाना चाहिए। और अगर बात करोगे बैटरी बिल्कुल सेम है S24 अल्ट्रा में, 5000 mAh की बैटरी देखने को हमें मिलेगी, जो कि काफ़ी सही थी भाई। मैंने S23 अल्ट्रा 2 महीने के लिए डायरेक्टली यूज़ किया था और भाई बैटरी लाइफ में लाजवाब था। यही थी कुछ फटाफट की न्यूज़, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, और अगर रिव्यू देखना हो S23 अल्ट्रा का तो यहाँ पर क्लिक कर देना।